पनीर का पराठा बना रहे हैं। इस तरीके से आटा माने और ये नमक थोड़ा सा डालें, इच्छा अनुसार मिर्ची डालें और खटाई डालें, अमचूर धनिया डालें और इसको सबको मिक्स कर लें। इसमें आलू है, ये पनीर है, प्याज है, मिक्स करके फिर हम इसको बनाते हैं। अब लोई बनाते हैं इसके आटे की, फिर इसको बेलेंगे। इस तरीका से बेलना है इस बेसन को। इसको बड़ा करके फिर इसमें मसाला भरेंगे। इसमें ये मसाला भरते हैं, पनीर आलू पनीर मसाला भरते हैं। भरने के बाद इसको बंद कर। फिर इसकी सहायता से इसको बेल कर बड़ा करेंगे। अब हम इस पे तवे पे डाल रहे हैं इसको। इस तरीके से पलटने के बाद अब हम इस पे घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद कुरकुरा कुरकुरा सुनहरा सेकेंगे, फिर चटनी या सॉस के साथ खाएं इसको। इसको इस तरीका से गूंदें, गूंदने के बाद में अच्छा सिकेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा। अब ये सिक्के तैयार हो गया है। अब इसको चटनी अचार गुड़ के साथ खा सकते हैं आप आराम से।